Bawang, bawang. Tar na bawang, tarot mo. Mangga lang makawan, tarot mo. Mangga lang makawan. Mangga lang makawan. Then, tar mo. Saan mo mangga makawan niyo? Saan mo kanya nakara ko? Pagkakamak ka, tarot mo. रास्ता नहीं मिला इसका क्या वजह मन काल के परिभ्रमण में जिनको सच्ची शांति मुक्ति नहीं मिली जो की तो मुक्ति हो मार्ग नहीं मिला इसका वजह क्या है आप इसका बार बार विचार करना और अगर आपको ठीक लगे तो साथ में एक कवर में पत्र दिया है ऊपर हमको लगता है कि मार्ग सरल है लेकिन प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है और बोधि दुर्लभ भावना में आता है कितना दुर्लभ है फिर आगे बताते हैं कि जो भाव अप्रतिबद्धता से निरंतर रहते हैं राग द्वेष के भाव आते हैं अवस्था में लेकिन उन्हें वो अपने नहीं मानते उनकी हेरा फेरी नहीं करते एक भी अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो उसको केवल जानने मात्र रहते हैं लेकिन दुखी सुखी नहीं होते हैं हेरा फेरी करने का भाव नहीं है एक भी रत्कण को पलटाना नहीं एक भी भाव को बदलना नहीं उपयोग बार है तो अंदर लाने की भी तकलीफ नहीं लेना है इस प्रकार से जो पर्याय से बिल्कुल अलग अलग त्रिकाणी ध्रुव में यही मैं हूँ यही कारण परमात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि जिसकी जम गई है और वो निरंतर जमी हुई निर्विकल बोलूं तो होवे कभी जमी हुई ऐसी बात नहीं विकल्प की भूमिका में भी एकाणी दूर की दृष्टि निरंतर जमी हुई इसको बोलते हैं श्रद्धा की प्रणति ज्ञानी को ऐसी श्रद्धा की प्रणति निरंतर रहती है उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है कि मैं शुद्ध आत्मा जानने देखने वाला हूँ शरीर आदि राग आदि भाव मेरे नहीं है इंद्रिया के परिग्रह रजकण भी मेरा नहीं है ऐसा उसको याद करना नहीं पड़ता नींद में भी उसको देवान अवस्था में भी उसको निरंतर अपनी स्थिति याद रहती है तो निरंतर भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणा है अगर ऐसे ज्ञानी पुरुष हमको मिल जाए जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वो तीरथ हो जाता है ऐसे अगर ऐसे ज्ञानी पुरुष अगर हमको मिल जाए उनके चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति सम्यक प्रतीति और झूठी प्रेम अपने को लाभ नहीं हुआ हो और उनको ज्ञानी मानना और अपने को लाभ हुआ और ज्ञानी मानना बहुत बहुत फर्क है एक ने तो प्रयत्न नहीं किया और उसे हजार लोग पैर पड़ते हैं हम भी पैर पड़ लेंगे उन्होंने जय बुलाया था हमने भी जय बुला लिया उन्होंने वंदन नमस्कार बहुमान किया हमने भी कर लिया प्रतीति है लेकिन सम्यक प्रतीति में खुद को लाभ होता है खुद की अंदर की परिणति चेंज होती है खुद को लगता है कि हाँ मेरा कोई मेरा सर से वो उतर गया और जो मैं चाहता हूँ मुझे बिना प्रयत्न मिलने वाला है बिना प्रयत्न करके मिले ऐसा बिना प्रयत्न सहज में जैसे आम की गुठली बोते हैं तीन साल के अंदर फल निकलते हैं और वो ऊपर डाली पे फल लगा हुआ है तो उसको
काटने के लिए ऊपर तक जाना पड़ता है कि बिना प्रयत्न नीचे आता है? जब पूरा संपूर्ण पक जाता है तो वो बिना प्रयत्न पूरा आसानी से नीचे काटने के लिए जाड़ में डालने की जरूरत। ऐसे जो हम परम शांति की कामना करते हैं वो बिना प्रयत्न अपने आप के योग्य काल में जो काल में अपने आप बिना प्रयत्न आ जाते हैं, तो हमको खुशी कोई मजा नहीं। ऐसे हमारी मुक्ति की जिम्मेदारी किसी और ने ले ली, परंतु जैसा वो बोले वैसा ही करो, कोई टेंशन नहीं। राग द्वेष है जानते हैं, लेकिन मेरे में नहीं, परिणाम में है और परिणाम बदलते हैं। तो शाश्वत चीज नहीं है, मैं जीव तत्व हूँ और वो है आग्रह। मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत, हम राम मुक्ति का सवाल, तो मुक्ति की गारंटी सदगुरु ने दे दी, मैं कर दी उसका भी मेरे मुक्ति कर। अब क्या करना है? जो अपना स्वभाव है वही बोले हैं, किसी को अलग नहीं करना है, किसी को लाना नहीं, अलग अलग है उसको देखना है, अलग अलग। जैसे राग और ज्ञान अलग उसको अलग देखो, बस इतना ही काम करना। ये गाँव है, एक अंकर, अंकर को तो बाहर फेंकना है, लेकिन यह राग को बाहर फेंकना नहीं, इतनी भी पंचायत नहीं है। क्यों? कि जैसे हम अवलोकन करते हैं तो रागादि भाव तो अपने आप भाग जाते हैं, राग सामने ही नहीं आता। राग की क्या हैसियत ज्ञान के साथ नजर मिला के बात करें? अंधेरा प्रकाश के सामने नजर मिला के कैसे बात करेगा? राग तो अंधकार है, जवाड़ है, जैसा चेतन का सामना सामना कर नहीं सकता, तो भाग जाता है। जैसे अवलोकन करोगे और ज्ञान का आराधना करोगे, वैसे ही लगता है कि रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है। जब अवलोकन नहीं करते हैं तो सब आ जाते हैं, और जैसे अवलोकन करते हो तो सब झुक जाते हैं। जैसे कोई लगता है कि कोई भाव ही नहीं आते, क्या देखना क्या लिखना, कोई भाव आवे तो लिखे, भाव ही नहीं है क्या करें। तो भाव क्यों आते थे? करते तो भाव था तो आते थे, करते तो भाव हट गया तो भाव कैसे आएंगे? कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना भी नहीं। अब कह के भाव पूरा निर्भर हो गए तो कह के भाव एकदम रास्ता क्लियर, फिर उपयोग लगा कर भी देखते हैं। सामने कोई आता ही आता है तो मर जाता है, जो सामने आया वो ज्ञान की ताकत है कि ज्ञान की अपने के सामने एक भी लगा दी भाव दिखते हैं। जब सूरज की रोशनी होती है तो कीड़े मकोड़े बाहर आते ही नहीं, जैसे अंधेरा होता है मच्छर कीड़े मकोड़े सब, क्योंकि तो प्रकाश में वो जिंदा नहीं रहता, प्रकाश में तो छुपना पड़ता है, वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं अंधेरा। लेकिन जैसा दिन खत्म हुआ किचन में बाथरूम में अब देखना, बारी बंद करते हैं तो, बारी बंद नहीं करे तो मच्छर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, लाइट चालू करो तो पतंगे आ जाते हैं, दिन भर में नहीं। ऐसा ही जैसे हम ज्ञान कर बैटरी चार्ज करेंगे, ऑन करेंगे, जिससे भी करना नहीं करना उठा पटा घेरा फेरी शांत हो जाता है, अशांति मिट जाती है, अशांति जैसी कोई होती है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति आचल प्रेम आए बिना, सम्य प्रतीति हुए बिना सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुष के चरणों में प्रेम आया, इसलिए ही हमारे को घर परिवार की दुकान की अपने शरीर की चिंता नहीं होती। तो क्या होता है तो वो चिंता आ जाती है, क्योंकि वो लेकर के बैठे सबको अपने अपने सहयोग वियोग चिंता प्रतीत होता है। लेकिन जब ज्ञानी पुरुष के वचनों पे इतना विश्वास है तो उसका जो भी होगा देख लेंगे। अभी हमको सिर्फ अपने आत्मा का ही ध्यान रखना है, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष के वचन पे विश्वास और प्रेम आने से हमने अपने आप को कैसा छोड़ दिया है, मतदान में छोड़ दिया है, जो होना है। मीरा कहती है कि कोई लागी लटक गुरु, क्या होगा दुकान का घर का क्या होगा, क्या जो होगा तो होगा। मुझे तो गुरु के चरणों की लटक लग गई है और भव सागर अब
गया है, समुन्द्र में पानी था, पानी नहीं रहा, कितना कहाँ है, भाव सागर अब सूख गए हुए, दिक्कत नहीं अब कितना, पहले लगता था कि कितना पानी होगा, कब बाहर निकलेंगे, कब किनारा मिलेगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गुरु के चरणों की रंग लग गया, जैसे हमारे भाव सागर है ही नहीं, एक भी भाव नहीं है, ऐसा निश्चिंत हो गया कि मोक्ष तो हाथ में ही है, मतलब गुरु के दर्शन होते ही मुक्ति की जो इच्छा और कामना और जो प्रयत्न थे वो सारे बंद हो जाते हैं, गुरु मिले तो मोक्ष मिले, जब ऐसा अंदर में होता है तो उसको कृपाणु देव प्रथम संकेत कहते हैं, संकेत नंबर इतना निर्भर होकर के फिर वो आसानी से जो गुरु बोले वो कर सकता, ये तो अवलोकन करने बैठे हो दुकान किया था, पहले की पीड़ा हो जाए वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है लेकिन उसको हैरान करते, ये गुरु के प्रेम आया, गुरु के प्रेम में डूब गया, तो प्रेम तो कैसा होता है, देखने वाला होता है कि अंधा होता है, दुकान का नुकसान नहीं दिखता है, शरीर का नुकसान नहीं दिखता है, कौन परिवार वाले नाराज है, कौन राजी है, जिसको जिसको जो करना है करे, हमको कुछ दिखता नहीं, हमको तो सदगुरु 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 दिखते हैं, मोक्ष भी नहीं चाहिए, जाओ मोक्ष की फिक्र कौन करे, वो तो उनकी जिम्मेदारी, मेरे को कहीं जिम्मेदारी उतना भी प्रयत्न, तो जो प्रेम हो जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है, प्रेम अंधा होता है, उसको कुछ अच्छा बुरा विवेक विवेक सब खत्म हो जाता है, मेरा ऐसी पागल हो गई थी कृष्ण के प्रेम में कि मैं रानी हूँ, राजमहल में रहने वाली हूँ, उसको कोई ऐसा भाव नहीं था, कृष्ण में इतना भक्ति में इतना लीन हो गई थी, सुनता नहीं था विवेक क्या है, ऐसे जो मनुष्य अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो लोग उनको पागल कहते हैं कि कैसे विवेक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जिम्मेदारी का बांध नहीं है, वैसा नहीं है, दुकान में जब आया तो आते हो, जब आया तो बंद कर देते हो, आजू बाजू वाले भी मस्ती करते हैं कि क्या धंधा करने का कोई तरीका है, जब देखो तब यात्रा है, क्या है, हाल बच्चे है कि नहीं है, ऐसे है, और ये तो इतना पागल हो जाता है कि यात्रा जाने का खर्चा भी दुकान नहीं चलती है उतना दिन, तो उसका लॉस भी होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, पेमेंट चुकाना पड़ता है, पूरा चैनल टूट जाता है, तो हमारे पे तो लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि आप होलसेल का बिजनेस करते हो, क्या करते हो, सात सात दिन तक नहीं आते हो, दुकान बंद करो, आपको माल देना है तो कहाँ से करो, ऐसा बोलो ना, ये लो माल रख लो, जितना बिके बेचना बाकी वापिस कर देना आने के बाद, ऐसा आधा आधा किलो 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 माल सबको दे देते, लेकिन बीच में सात दिन तक हैरान नहीं करो, तो लोगों को इतना विश्वास आता है कि ये लोग कमाने के पीछे नहीं पड़े, ये लोग किसके पीछे पड़े हैं, आत्म शांति के पीछे पड़े, ये तो क्या होता है कि अगर दो चार ऑर्डर उनके सप्लाई नहीं करे तो सप्लायर को चेंज कर देते और अपने से मान नहीं लेते, वक्त भी मान नहीं दे तो कौन मान दे, लेकिन ये लोग हमको छोड़ते हैं नहीं, क्यों नहीं छोड़ते हैं, पता लग गया कि इनको बिजनेस की कोई बड़ी नहीं, बिजनेस होना है तो नहीं होना है, पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा बाप का उड़े होगा, जो होगा तो होगा, तो लोगों को विश्वास बढ़ गया उल्टा, और हम आते हैं तो ऐसा ही रख के आया माल, उसमें तो आधा बेच डालते हैं, भैया इतना पैसा है, इतना माल उठा लो, वहां वहां जाने के बाद भी हमारा धंधा चलते रहता है, नहीं चलने की बात नहीं, और वापिस किस्मत कहाँ गए हैं किसी, तो इस प्रकार से संसार में रहते हुए हर चार महीने को यात्रा भी हो जाती है, घर बंद लॉक करके जाते हैं, दुकान में कोई चालू करके नहीं जाता, कोई टेंशन ही पीछे कर नहीं रहता, ये सब क्यों होता है, सदगुरु के वचन में चरणों में अचल प्रेम होने से होता है, और वो प्रेम कैसे आता है, डॉक्टर के ऊपर प्रेम किसको आता है, जिसको बीमारी मिटाना हो, गरज बंद करके साफ बच जाएगा ना, ना बच जाऊंगा ना, मैं क्या करना है, क्या सेवा करूंगा, आप आप बोले इतने मजे लेने को आता हूँ, आप फिक्र मत करो, अच्छे से अच्छा इलाज करना, अच्छा इतना जमा करा, अच्छा था देखो पूरी खातिर बर्दाश्त करता है, क्योंकि बीमारी मिटाना, जिसको अपने को भाव जन्म मरण के रोग से मुक्त करना है, सच्ची भावना है, उसको सदगुरु के चरणों में ऐसा प्रेम आए बिना रहेगा
और बाकी जो लाना चाहेगा तो भी आएगा। प्रेम करना है लेकिन होता नहीं, भक्ति करनी है लेकिन होती नहीं, क्योंकि ये प्रेम किया नहीं जाता है, भक्ति की नहीं जाती है। भक्ति तो अंदर से स्वयं में कर्तव्य भाव से भक्ति होती है और स्वीकार नहीं है। सहज ज्ञान में विवेक पैदा होकर के मुक्ति की कामना से मात्र मोक्ष अभिलाष से अगर अपने हृदय में सबको पहचान लिया और उसके अंदर से भक्ति आती है तो स्वीकार, और भक्ति नहीं है तो मुक्ति भी नहीं, ऐसा है। तो कृपा अगर कहते हैं कि ऐसा अचल प्रेम आए बिना और सम्यक प्रतीति हुए बिना इस जीव को अपने स्वरूप का दर्शन कभी होता। सम्यक दर्शन होने के पहले जरूरी है कि किसी विद्यमान प्रत्येक सद्गुरु चाहे चौथे गुणस्थान वाला हो, चाहे पांचवे गुणस्थान वाला हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे अरिहंत भगवान, उसके चरणों में अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं होता। ये मार्ग सर्व ज्ञानियों ने सेवन किया है, वर्तमान में भी सेवन करते हैं और भविष्य काल में भी सेवन करेंगे। ज्ञान प्राप्ति इससे हमको हुई है, वर्तमान में भी जिसको होती है इसी रास्ते से होती है, भविष्य काल में भी जिसको होगी इसी रास्ते से होगी। एक हो तरण काल मरमा रत्नो प्रेरित व्यवहार ने, ये व्यवहार समझ प्रेरित मुक्ति मार्ग ने, ये व्यवहार प्रेरित परमार्थ हमको मोक्ष ले जाए, इसके लिए अगर हम सदगुरु के पैर पे पकड़ना पड़े तो ये व्यवहार है मंजूर है हमारा। हमारा दर्द मिटाने के लिए हम सदगुरु के शरण में डॉक्टर के शरण में जाते हैं तो कोई हमको पागल कहता है? नहीं कहता है, क्यों? बिल्कुल बराबर करता है, क्योंकि वही उसको बचाने वाले हैं। ऐसे मुक्ति के मार्ग में हमको मोक्ष में जाना है और रास्ता दिखाने वाले के चरण को पकड़ लेते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं तो लोगों को पागल कहना है तो भले कहे, लेकिन हमारे में तो सच्चा विवेक जागरूक हुआ है। हमको इसकी शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म आती है तो ये मान कर क्या कि लोगों के सामने पैर नहीं पड़ना, छुप के पैर पड़ना और लोगों के सामने पैर नहीं पड़ना, नाक नीची हो जाना, ऐसा नहीं होता है। जिसको प्रेम आता है वो अंदर से आता है और वो दुनिया कुछ भी करे तो उसकी परवाह करता नहीं। ये मार्ग की आराधना किए बिना जीव ने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है, अनंत काल से जीव को रास्ता क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि इसने कभी भी प्रत्येक सदगुरु के चरणारविंद की सेवा जाती नहीं की। हमेशा में चौथी कथा में है, इस जीव ने अनंत काल के परिभ्रमण में काम भोग बंधन की कथा को अनंत बार सुनी, अनंत बार परिचय में भी आ गई है और अनंत बार अनुभव में भी आ गई, लेकिन पर से विभक्त अपने अनंत गुण से एकत्र अपने आत्मा की बात न तो सुनी है न सुनाने वाले आत्मज्ञानी संतों की उसने सेवा की है न आत्मा का उसको अनुभव अनंत काल में कभी नहीं, ये बात सत्संगति भी नहीं की ज्ञानी पुरुष। और समय सर जैसे द्रव्यानुयोग के परम अध्यात्म ग्रंथ में भी स्टार्टिंग में ही आ गई ये बात, चौथी गाथा है। पांचवी गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि देखो मैं तुझे एकत्र आत्मा की बात मेरा पूरा खजाना खोल करके दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ नहीं बोले, क्या बोले? दिखा रहा हूँ और तुम सुनो, घर पे जाकर के विचार करना और फिर अच्छा लगे तो उठना लेना, ऐसी बात नहीं, तुम देखो मैं दिखा रहा हूँ और तुम मतलब बाद में करूंगा वायदा नहीं, अभी का अभी देखना है तो देखो, अभी का अभी काम, समय शाम में भी अवलोकन की बात स्टार्टिंग में, चौथी पांचवी कथा में। और तो अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है तो कौन सी कथा में वो सब नोट करेंगे, क्योंकि लाखों के भूत है ना, उनके शास्त्रों का आधार थे पंडितों को, कहाँ से निकाले अवलोकन, कहाँ से हमने सुना नहीं, गुरुदेव ने कभी बोला नहीं, अवलोकन किधर से निकाले? चारों ज्ञानियों के वचन में पहले देना पड़ा हमारा, कोई मानने वाला नहीं है, कौन है देवचंद भाई, पहचानते नहीं, अवलोकन कौन सा वेद ज्ञान की बात करो, अवलोकन क्या, परिणाम को देखो, जो स्वयं एक समय में मर जाने वाले उसको देखो, ये कौन सा नया रास्ता निकाला, द्रव्य को देखो, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा,
कारण परमात्मा। अवस्था को क्या देखना, क्या मिलने वाला है? तो लोगों को विश्वास नहीं आता। ये तो अच्छा है कि हमारे पास चारे वन ज्ञानियों के वचना माते मीठा नहीं निज दोस्तों अरे कौन होता है। एक अपने चारों ज्ञानियों के वचन पहले अवलोकन किताब में डालना पड़ा। और अवलोकन का जो विरोध करता है तो हम बोलते हैं पहले उनको संस्कारों को गालियां दे के आओ। क्या मेरे को तो बात नहीं, क्योंकि मैं तो नाट में लिखा हूँ। मेरे से इन चारों ने हजार उनको चारों अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप गुरुदेव को मानने वाले नहीं हो, रूपावदेव को मानने वाले नहीं, एसी के मानने वाले नहीं हो, सोगाड़ी जी के मानने वाले नहीं। मेरा नंबर तो बाद में, और मेरे को मनवाना भी नहीं, आपके नमस्कार भी मुझे तो ये बात के इस मार्ग की आराधना किए बिना जीव ने अनादि काल से कोई भ्रमण किया है। जब तक जीव को स्वच्छंद रूपी अंधत्व, कैसा अंधत्व, अपने दिमाग से ही चलना है, बुद्धि से और मन से ही चलना है, लेकिन हृदय में आत्मा की कोई सच्ची भावना नहीं, बुद्धि भावना नहीं कर सकती, भावना तो आत्मा से निकलती, चैतन्य में से निकली हुई भावना। फैंसी कहते हैं कौन सी भावना सफल होती है, चैतन्य में से निकली, बुद्धि में से निकली हुई, इंद्रियों में से निकली हुई, क्या मन के द्वारा निकली हुई भावना वो नहीं चलती, कईयों से आधारित भावना नहीं चलती। चैतन्य को एक दफे ऐसा हो जाए कि मुझे परिभ्रमण नहीं करना है, ऐसी चैतन्य में से निकली हुई भावना वो जरूर सफल होती है। अगर वो सफल नहीं हो गए तो 14 ब्रह्मांड को एक ही समय का गुण मुझे को बहुत पसंद भी था, क्योंकि इसमें भावना का शब्द है, वो भावना बुद्धि में से नहीं आती, भावना मन के आधार से नहीं आती, भावना को अंदर चैतन्य के तल में बैठता है, और जिसको भावना होती है उसका स्वच्छंद मिट जाता है। जब तक जीव को स्वच्छंद रूपी अंधत्व है तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होता है। रास्ता बहुत सरल है लेकिन उसको नहीं दिखता है, क्यों कि उसने अपने नजरों में नेत्रों में किसको बिठाया है, संसार को बिठाया है। उसको दुकान दिखेगी, घर परिवार दिखेगा, शरीर दिखेगा, मार्ग बहुत कठिन है ऐसा दिखेगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्ग बहुत सरल है, ऐसा नहीं लगेगा। तो मार्ग कठिन लगेगा तो प्रयत्न कैसे करेगा, और सरल लगेगा तो अरे इतना सरल है। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारा पुरुषार्थ क्यों उठता नहीं, क्या कारण? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है तो मर जाए, सब दूसरा दूसरा काम पड़ता हो बाद में आप नहीं करेंगे। समय दर्शन तो कितने समय में होता है, मतलब कि पहले थोड़ा ऐसा ऐसा सांस चले कि ना सीधा आत्मा में ध्यान देते हो जाएगा, रास्ते में पड़ा है जैसा समय दर्शन कभी हो जाएगा, जैसा गांड घूमता है ऐसा नहीं। समय दर्शन एक समय में होता है, लेकिन इसके पूर्व जो लाइन है उसमें हमारी योग्यता के ऊपर आधार है, किसी को एक क्षण में हो जाए और किसी को नहीं, अगर सही चले तो 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो क्या समझना रास्ता भटक गए, हमारा रास्ता उल्टा, हमने कहीं समझ नहीं निकल जाए। 6 महीने से ज्यादा समय किसी को भी लगता नहीं तो पक्की बात है, शास्त्रों का आधार है। अब ये स्वच्छंद को टालने के लिए क्या करना, इस मार्ग का विचार करना कि कैसे प्राप्त हो। दूसरा क्या करना, दृढ़ मोक्ष इच्छा करना। तीसरा क्या करना कि विचारणा में अवलोकन में अप्रमत्त रहना, निरंतर जागरूक रहना, तब इस मार्ग की प्राप्ति होकर के अंधापन मिट जाता है। मतलब आंखों के सामने संसार का पिक्चर है वो हट जाता है, और उसके जगह पे कौन आ जाते हैं, पहले आत्मा के सदगुरु, क्योंकि संसार भी दिखता है और सदगुरु भी दिखता है। जिसको मोक्ष जाना है वो किसको प्रेम करेगा, सदगुरु से प्रेम करेगा, और जिसको डूबना है वो अपने कुटुंब परिवार धन दौलत इज्जत आम से प्रेम करेगा। दो रास्ते
और जो सदगुरु से प्रेम करेगा तो सदगुरु लेके आते हैं, जब उसकी योग्यता हो जाती है ना, सदगुरु उसके भगवान को लेकर के आ जाते, गुरु गोविंद दोनों खड़े आपको लागे, वो सदगुरु की जिम्मेदारी है। आत्मा का दर्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है? आप तो अटक जाओगे तो भी नहीं हो, आप तो योग्यता ही नहीं, उपयोग को बाहर से अंदर लेके जाना आपका काम ही नहीं। सदगुरु की कृपा दृष्टि होगी तो वैसा आपको कर देंगे कि आपके सामने जैसा आपने सदगुरु को बिठाया है, एक दिन वो अपनी योग्यता देख करके भगवान को साथ में लेके आएंगे, दोनों सामने से आएंगे, दोनों साथ में आ गए। मैंने किसको प्यार करता, भगवान को भी गुरु, अगर भगवान को प्यार करता हूँ तो गुरु आ जाता है, एहसान फरम होस बोल गया मेरा गुरु, और अगर गुरु को प्यार करता हूँ तो वो नाराज हो जाते हैं, भगवान माफी चले जाएंगे तो मन मन के मिले, गुरु गोविंद दोनों खड़े आके लगो बलिया रही गुंजम, समझ गए कि ऐसा कैसा ऐसा देखते रह गए आके पाड़ पाड़ कर देख पाए लगा कर उलझन हो गई, दोनों साथ में आ गए, पहले से कान में बोल लेता तो अच्छा होता लेकिन बोला नहीं मैंने, मैं भी लेके आता हूँ तुम्हारे परमात्मा को, बोला नहीं हमने क्या उसने क्या किया, उसने इशारा किया, उसने क्या किया, अब मेरा मत सर कर, आपको पैर मत पड़, उसका टेंशन कम हो जाता, उसका टेंशन कम होता है, क्या करता है सबको ने कहा अगर हम चला करके अगर परमात्मा को झुके तो हमारी गलती, लेकिन ये सदगुरु की आज्ञा कि तुम मेरे को मत करो प्यार, भगवान को प्यार, भगवान को देव, और हमको समय दर्शन, ऐसा समय दर्शन होता है क्या? तो ये अवलोकन में, अवलोकन की आराधना में अप्रमत्त रहना तो मार्ग की प्राप्ति होकर के अंधापा निकल जाता है, ये निसर्ग मानना, विश्वास रखो, शंका मत करो इस मार्ग के, अनादि काल से जीव उल्टे मार्ग से चला है, जो कि यद्यपि उसने जप तप शास्त्र का अध्ययन आदि अनंत बार किया है, एक बार नहीं कितनी बार, तथापि जो कुछ भी उसको करने योग्य था वो उसने कभी किया, जो कौन सी बात नहीं किया, जो सदगुरु के शरणार्थियों के प्रति अचल प्रेम और समय प्रति भी आज तक उसने किया, क्या वजह होगी सदगुरु का, सदगुरु के ऊपर सरेंडर होने के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, क्या शास्त्रीय बात में समझाता हूँ, और जीव को समय दर्शन नहीं होने में कौन कारण होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन के कितने भेद है, दो, एक ग्रहित और दूसरा अग्रहित, अपने आत्मा में भगवान ऐसा नहीं मानना करना वो अग्रहित, और तू भगवान आत्मा ऐसे कहने वाले सदगुरु की बात नहीं मानना वो है ग्रहित, दो ही प्रकार है ना मिथ्या दर्शन, तो पहले ग्रहित जाता है कि अग्रहित जाता है, हिसाब से लगाओ तो पहले कौन सा जाता है, पहले भगवान आत्मा का दर्शन होता है कि पहले गुरु की वाणी मिलती है कि भगवान है, तो पहले ग्रहित जाता है बाद में अग्रहित जाता है, तो समय दर्शन की जो चार व्याख्या है उसमें भी देख लो, सबसे पहली व्याख्या क्या है, सत्य वितरागी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, उसका नाम समय दर्शन, क्यों आत्मा कर मनुगो को समय दर्शन नहीं कहा, सबसे पहले उसको रखना था लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्या बोले हैं, सच्चे वितरागी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, उसका नाम समय दर्शन, दूसरी बात सात तत्वों का श्रद्धा, उसका नाम समय दर्शन, क्योंकि सदगुरु मेरे, सदगुरु ने क्या बताया, सात तत्वों को उनको ज्ञान था, छह द्रव्य और सात तत्व, और सात तत्वों को यथार्थ समझे उसको समय दर्शन होता है, तो आज तक अज्ञानी ने कितने तत्व समझे हैं, असल में तो एक भी नहीं समझा है,
लेकिन फिर भी मानो तो समय दर्शन नहीं हुआ है कभी भी, तो संवर निद्रा मोक्ष समझा, वो संवर निद्रा मोक्ष जो मुक्ति और मुक्ति का उपाय वो कौन बताता है? जब सदगुरु मिलते हैं तब सातों तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। और मेरे के अलावा दुनिया में जितने पदार्थ है वो कौन है? अजीव है, अजीव। और दूसरों को देखने से मेरे परिणाम में क्या क्या होता है? आश्रय भाव, जिसका मैं अवलोकन कर रहा हूँ। राग द्वेष के भाव क्यों आते हैं? क्योंकि मैं अपने को नहीं देख रहा हूँ, तो आश्रय भाव राग द्वेष पुण्य पाप के भाव। और जब पुण्य पाप के भाव होते हैं तब क्या होता है? बंध। बंध क्या है? दुख। दुख की जो अनुभूति है, आकुलता की अनुभूति है, वो है। इतना तो हमको मालूम है, लेकिन इससे ज्यादा आगे संवर निद्रा और मोक्ष वो हमने कभी किया नहीं, तो हमको मालूम नहीं। सत्पुरुष मिलने के बाद, उनकी वाणी सुनने के बाद हमको सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान पहले होता है सतगुरु की वाणी। ये ज्ञान होने के बाद अब तीसरा समय दर्शन की व्याख्या है, स्वरूप और वेद विज्ञान उसका नाम। तीसरी व्याख्या, यहाँ तक जो बात है ना वो क्या बात है? ये व्यवहार की बात है। और चौथा चौथी बात क्या है? निर्विकल आत्मा की अनुभूति उसका नाम ये निश्चय है। ये चार व्याख्या में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सत्य देव गुरु शास्त्र। उसके बाद सात तत्वों का विकास प्रदान होता है। उसके बाद सात तत्वों में से भेद कर लेता है, तो कौन पर कौन ऐसा करके वो भेद भी करना आता है। और लास्ट में कौन रहेगा? तो आत्मा में त्रिकाण जी में अपना कौन कर लेता है? समय दर्शन किसी चार व्याख्या है। तो पहले शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं लिया, पहले देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, इसमें भी ऐसा है। अच्छा, पांच लब्धि में भी वो बात है कि प्रयोग लब्धि और कारण लब्धि बाद में, पहले कौन सा है? देखना लब्धि। देखना लब्धि बिना किसी का प्रयोग अवलोकन का हम अवलोकन की बुक पढ़ने से अवलोकन पूरा होता है, क्योंकि देखना लब्धि नहीं मिली है। देखना लब्धि लेने के लिए आपको प्रत्यक्ष आना पड़ता है। अब आप कर सकते हो, अब आपको अवलोकन करना है तो कर सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको देखना लब्धि प्रत्यक्ष देना पड़ेगा। इसके बाद ही अवलोकन और वेद ज्ञान का सही प्रयोग होता है। तो प्रयोग लब्धि में आए, प्रयोग लब्धि में अवलोकन का स्टेज पूरा होता है और वेद ज्ञान का स्टेज चालू होता है, और वेद ज्ञान का स्टेज एंड में पहुंचता है तब कारण लब्धि पूरी होती है, और इसके बाद अनुभूति के द्वार खुलते हैं। पांचों लब्धि क्रॉस करने के बाद आत्मा की अनुभूति के द्वार खुलते हैं, जब तक नहीं खुलते। पांच लब्धि में भी ये आया और पांच समय में भी ये बात है कि जब कार्य होता है तब स्वभाव भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, ओनार भी होता है, भविष्य में काल लब्धि भी होता है और निमित्त भी। नहीं नहीं पढ़ते वैसे कुछ नहीं होता है, ये बात एकांत में लेने जैसी नहीं। तुमको सिखाया किसने? तुझे मालूम कैसे पड़ा कि मैं आत्मा हूँ? निमित्त ने सिखाया कि उपादान ने सिखाया? तो इसीलिए हर प्रकार से देखा जाए तो कृपा उदय की ये बात शंका करने योग्य नहीं कि हमको आत्मा का दर्शन करना है। तो सबसे पहले प्रत्येक सद्गुरु की चरणों की आराधना, उसके प्रति आचरण प्रेम और सम्यक प्रतीति होनी चाहिए। ये काम उसने कभी नहीं किया, जब तब शास्त्र अध्ययन अनपढ़ किया, लेकिन ये काम उसने कभी किया। आपको रत्मान योग के दृष्टांत देते हैं, मेरे शास्त्र का दृष्टांत। सुई गड़ांग सूत्र श्वेतांबर का ग्रंथ, उसमें ऋषभ देव जी भगवान ने अपने 98 पुत्रों को उपदेश दिया है और उनको मुक्ति के मार्ग में चढ़ाया है। वहाँ उन्होंने कौन सा उपदेश दिया? ऋषभ देव भगवान ने अपने 98 पुत्रों को कौन सा उपदेश दिया? वो लिखा है, हे आयुष्य मनो, इस जीव ने सब कुछ किया है, एक आ भी ना। क्या? कि मैं सच में कहता हूँ कि इस जीव ने अनंत काल में कभी भी सतपुरुष का कहा हुआ वचन, उसका उपदेश,
अभी सुना वही बात चौथी कथा में कहते हैं आचार्य अथवा बुढ़े प्रकार कहीं ने उठा लेना थी सुनिए तो एक कान से सुना है एक कान से एक कान से सुन करके बुद्धि में बिठाया लेकिन कभी भी परिणाम में आया अने इन्हें जब मैं मुनियों नु सामायिक कहूं सुखदेव भगवान कहते हैं कि अगर तुम सतपुरुष के वचन सुन लो और उनका उपदेश सुनने के बाद उनके आज्ञा के अनुसार चलोगे यही तुम्हारी सामायिक समय माने आत्मा ठीक माने उसमें तैरना तो ये आज्ञा उठाओगे सतपुरुष की तो ही तुम आत्मा के दर्शन कर पाओगे प्रथम तीर्थंकर इस काल के पंचम काल पुस्तक पे निकाले पुस्तक पे निकाल के प्रथम तीर्थंकर की ये बात है अब पुस्तक पे निकाल के खत्म होने के बाद जो इस काल से आखिरी में जो मोक्ष में गए उसकी बात करते हैं मतलब 24 तीर्थंकर के बाद आखिरी में कौन गया है जम्मू स्वामी गए जम्मू स्वामी के गुरु कौन थे सुधर्मा स्वामी ऐसे तो महावीर स्वामी के गणधर थे लेकिन महावीर स्वामी जाने के बाद क्यों गणधर गए गौतम गणधर धर्मा स्वामी तो आखिरी बात करते हैं इस काल इस क्षेत्र इस संतरी काल में जो आखिरी में मोक्ष जाने वाले थे वो जम्मू स्वामी उनको उनके गुरु सुधर्मा स्वामी ने क्या उपदेश दिया है सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी ने उपदेश है कि जगत आखा नु जेने दर्शन करी केवल दर्शन के अंदर ऐसे महावीर भगवान उन्होंने हमको ऐसा कहा है क्या कहा था महावीर भगवान ने कि गुरु के आधीन देने से और उनके आज्ञा उठाने से भूतकाल में अनंत जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है क्या बताया है आत्मा को देखने से मुक्ति प्राप्त की ऐसा नहीं लिखा क्या लिखा कि इस हमारे पहले कितने लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है अनंत जीवों कैसे गुरु की आज्ञा को आत्मा को देख उनकी आज्ञा क्या है आत्मा को देख लेकिन आत्मा को देखने से मुक्ति प्राप्ति ऐसा नहीं कह करके क्या कह दिया गुरु की आज्ञा को उठाने से अनंत जीव मोक्ष में गए ये किसने कहा धर्मा स्वामी ने जम्मू स्वामी ये तो दो दृष्टांत दिए अब आगे शॉर्ट में कह देते हैं ये किसी स्थल पे नहीं सर्व स्थल में और सर्व शास्त्र में यही बात कहने का लक्ष्य है संपूर्ण दिनागम में हर जगह यही बात लिखी हुई है उसका एक सूत्र है आचार्य सूत्र जो है ना बार अंग के अंदर सबसे पहला अंग कौन सा है पांचवा अंग उसका पहले पन्ने का पहला सूत्र खाना है दम्मो खाना है तम इसका मतलब आज्ञा नु आराधन यही धर्म है और आज्ञा का आराधन यही तप है किसकी आज्ञा का आराधन धर्म माने शांति सतगुरु की आज्ञा उठाने में ही धर्म माने शांति मिलती है और उसकी आराधना करना उससे ही इच्छाओं का नाश होता है इच्छा निरोधस्य तप समस्त प्रकार की इच्छाओं का अंत आता है कौन इच्छा नहीं करता है जो सुखी आदमी है वो इच्छा करता जो गुरु की आज्ञा को उठाता है उसको ऐसा सुख मिलता है कि इसको अभी संसार की कोई भी इच्छा रहती इसका नाम क्या है तपो आना है दमो आना है तपो सर्व स्थल में यही बात बड़े पुरुषों का कहने का लक्ष्य था हमने उल्टा उल्टा समझ लिया तो हमारी समझ की गलत बाकी सभी महात्मा पुरुषों ने यही बात कही गुरुदेव ने भी कहा कि तुम स्वीकार तो कर कि तुम भगवान आत्मा हमने स्वीकार नहीं किया तो हमारी गलती तो स्वीकार नहीं किया कि गुरुदेव ने जैसा हमारा स्वरूप बताया तो स्वीकार नहीं करके अनादिकाल से जो पर्याय बुद्धि में रहे ऐसा ही अपने मुंह कुछ करे बिना कैसे हो धर्म करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा कभी ये अकल नहीं आई कि धर्म करना है तो एक भी कर्तव्य तो भाव नहीं लेना चाहिए ना सुख का ना सुख उपयोग को भी पलटाना चाहोगे तो आप उपयोग पलटेगा नहीं अधर्म की प्राप्ति होगी उपयोग को भी पलटाना सम्यक दर्शन प्रकट करने की आशा से सम्यक दर्शन कभी भी प्रकट होता लेकिन ये हमने सुना
लेकिन हमने उस बात को माना। क्यों सदगुरु ने बात कही और हमारे लक्ष्य में नहीं आई, सुनी लेकिन लक्ष्य में नहीं आई, क्या कारण था? इसका कारण बताते हैं। इसके कारण में सर्व से प्रधान ऐसा बड़े से बड़ा दोष कौन सा है, हमारे में गलती कौन सी हो गई? स्वच्छ हमने मनमानी की, सदगुरु की आज्ञा पे चलना हुआ। जिसने स्वच्छंद को मंद किया है ऐसे पुरुष को हमको कैसे मालूम कि हम स्वच्छंद कर रहे हैं कि आज्ञा उठा रहे हैं? तो अभी इसका लक्षण बता, समझो समझो किसी का स्वच्छंद मिट गया है तो क्या होता है? तो उसको प्रतिबद्धता मैंने लोगों का समाज का प्रतिबंधन नहीं रहता, लोग क्या कहेंगे, अब इनको मैं मानने लगता हूँ, अब तक मैं उनको मानता था, अभी मैं इनको मानता हूँ, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे क्या पागल हो गए हो, वो तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं, कुछ न कुछ बातें करते हैं, ऐसा लोगों का प्रतिबंधन रहता है। नंबर एक। दूसरा, स्वजन कुटुंब बंधन नहीं रहता है। कैसे? तो हरेक को यहाँ आए जितने उनको हरेक को पारिवारिक समस्या कुछ न कुछ तो होती है, लेकिन जिसका स्वचन मिट गया है, जो गुरु की आज्ञा में आ गए स्वचन मिट गया है, उसको पारिवारिक समस्या होने पर भी लगती नहीं। वो बोलते हैं समस्या जरूर है लेकिन मुझे इससे भी बड़ी समस्या पहले निपटानी है। कौन सी समस्या भी बड़ी है? जन्म मरण, आत्मदर्शन नहीं हो रहा है सबसे बड़ी समस्या। परिवार टूट जाएगा तो क्या दूसरा परिवार नहीं मिलेगा? ये शरीर छूट जाएगा तो क्या दूसरा शरीर नहीं मिलेगा? मिलेगा, जैसा हमने कर्म किए वैसा आफिस मिलने वाला है, लेकिन अगर आत्मा के दर्शन के बिना जाएंगे तो खो जाएंगे चौरासी के चक्कर। तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी? तो जिसने निश्चय किया है कि मुझे गुरु की आज्ञा पे चलना है, उसको पारिवारिक समस्या बड़ी नहीं लगती, उसको अपने आत्मदर्शन नहीं हो रहा है वो समस्या सबसे बड़ी है। तो एक परिवार की जो समस्या है वो उसके सामने कैसी हो गई? दूसरा, तीसरा पॉइंट, शरीर के जो प्रतिबंध है जो उसको पहले बहुत बड़े बड़े लगते थे, उसको ऐसा अपेक्षा थी कि थोड़ा ठीक हो जाओ बाद में आत्मा का दर्शन करना, थोड़ा ये हो जाए थोड़ा वो हो जाए, क्या और इससे क्या होता था कि वो आज्ञा उठा नहीं सकता। लेकिन अभी सदगुरु मिल गए और आज्ञा उठाने में लग गया है, शरीर की कैसी भी समस्या हो उसको कैसी लगती है? भूखा पैसा रहने को तैयार हो, फुटपाथ पे रहने को तैयार हो, निर्वस्त्र होने को तैयार हो, लेकिन मुझे सबसे पहले चारों बंधन को टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या है वो आप मैंने जो लिखा है उस पर से विचार करना। इसको लिखते हैं पत्र लगवा सब, जिन्होंने कुटुंब को छोड़ा है साधु वेश में, उसको पूछते हैं कि कुटुंब का प्रतिबंध कैसे छोड़ना, उसका उपाय कैसा है वो आप सोच लो। कुटुंबियों को नहीं मालूम था कि साधु है, घर बार छोड़ करके दीक्षा लिया है, बाहर से त्याग किया, अंदर में क्या है, इतना छोड़ा करके जो याद आता है ना बार बार, वो क्या है? अभी भी पकड़े हुए हैं कुटुंब, तो उनको मालूम था। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये चारों प्रतिबंध को टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या है मैंने जो लिखा है उस पर से आप सोचना, और विचार करने से अगर आपको कहीं भी समस्या हो, कुछ भी हमको पूछना हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना। और इस मार्ग में अगर आप अवलोकन करते करते अपनी योग्यता बढ़ाओगे तो उत्सव गमे त्याति पर मर से, मतलब आपको शांति कैसे भी मिले। अब हाथ में किसके हाथ में है सब मुक्ति? किसके हाथ में है? हम सद्गुरु की आज्ञा अवलोकन की उठाते हैं कि नहीं उठाते? पहले ऐसा कब न जाने कि अब कब होगा, अभी ऐसा नहीं, अभी आप काम करो और होगा, क्योंकि सही उपाय मिलने के बाद रिजल्ट की गारंटी है। अब तक क्या हमको खुद का भरोसा नहीं था कि रिजल्ट काम जो कर रहे वो सही कर रहे कि गलत कर रहे, तो अंधा अंध पला हो एक भाग रहा है तो हम पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे सामने बिल्कुल गारंटी है, कहने वाले भी विश्वास से कहते हैं और हमारे अंदर में भी ऐसा लगता है कि नहीं ये बात ही सही है। तो क्या होता है
कि इस मार्ग पे अगर आप योग्यता बढ़ाओगे, अवलोकन के साथ में करोगे, तो उपशम गमे त्याति परमर्श है, उपशम मिले, शांति मिले, और जिसकी आज्ञा का आराधन कर सके ऐसे पुरुष की खोज करना। वैसा नहीं बोले कि मैं सत्पुरुष हूँ, भगवान वैसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कि जिसकी आज्ञा पे आप चल सको, जैसे कोई योग्य पुरुष हो, सत्पुरुष हो, वो चालू रखना और अवलोकन कार्य करते रहना, विचार न करते रहना, बाकी बीजा बधा साधन पची करना योग्य से, चौबियार रात्रि भोजन त्याग, पूजा भक्ति शास्त्र पठन, बुद्धे की टैप सुनना, ये सब कब करना, पहले ये हो जाने के बाद, बाकी बीजा मजा साधन बची करवाए आ सिवाय बीजो कोई मोक्ष मार, विचार करोगे तो भी आपको सूझेगा, फिर भी अगर आपको दिमाग में ऐसा कोई भूसा भर गया हो अभी भी, तो निकला नहीं हो, लिखा है इसमें आपको नहीं कभी भी कोई ऐसा भूसा हो, विकल्प से ऐसा लगता है कि नहीं ये मार्ग भी है और दूसरा भी हम जो बोलते हैं वो भी मार्ग है, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको बता देना कि आपके दिमाग में ऐसा कौन सा दूसरा मार्ग है, तो फिर मेरे को जो ठीक लगेगा वो मैं आपको लिखूंगा, ऐसा करके उपाध्याय को पूर्ण विश्वास है अपने आप के ऊपर, और इतना विश्वास से बात कौन कर सकता है जिसको आत्मा का दर्शन हो गया है। अभी हमको इतने पंडित मिले जिसका जिसका सुना, किसी ने हमको पर्सनली इतना विश्वास दिलाया हो, गारंटी दिया हो, तो बताइए, और मार्ग सरल ऐसा कहा हो तो बताइए, यही बताता है कि उनको मार्ग, हमको किसी के दोस्त नहीं देख रहे हैं, उन्होंने हमको नहीं भटकाया है, हमारे को आत्मा की रुचि कम थी जिसके कारण हम थके गए, उन्होंने हमको नहीं ठगा है, किसी का दोस्त नहीं देखना है। लेकिन अगर आप कहते हो कि वो ज्ञानी थे, तो ये बात में मानने को तैयार नहीं हूँ, वो ज्ञानी नहीं थे, अगर ज्ञानी होते अंदर उठा लेते तो हम भ्रमित हो गए, हमारे को विवेक नहीं था, क्योंकि हमको आत्मा से प्रेम होता है, सच्ची आत्मभावना होती है तो ही अंदर से विवेक आता है, हमको आत्मा का प्रेम नहीं है तो हम ढगे जाएंगे अंदर, बेवकूफ तो हम थे, जहाँ जहाँ था माथा फेंक दिया, गुरुदेव का फोटो देखा हो चले गए नमस्कार, ऐसा नहीं, हमको गुरुदेव को नमस्कार नहीं करना है, हम गुरुदेव के पास क्यों गए, गुरुदेव की पूजा करने गए थे कि अपनी आत्मशांति के लिए गए, तो आत्मशांति नहीं मिले तो पूछना चाहिए, और फिर भी नहीं मिले तो रास्ता छोड़ देना चाहिए, सीधी बात है, अपने प्रयोजन को मुख्य रखो, शांति के लिए आए आपके दर्शन पूजा पैर में पड़ने के लिए नहीं आए, या आपको शांति का रास्ता बताएंगे, हम प्रयोग करेंगे, अगर हमको शांति मिलेगी तो मानेंगे आपको अपनाएंगे, नहीं मिलेगी तो आप कौन हम कौन, हम आपको पूजा करने के इरादे से नहीं आए, ये खुली बात है, अपने प्रयोजन को कभी भी भूलना, अपने प्रयोजन को सबसे आगे रखना, हमने अपना संप्रदाय छोड़ा और ये संप्रदाय को गुरुदेव के मार्ग को अपनाया, पीछे रहस्य क्या था, क्या हमारा इरादा था, क्या हमको आत्म कल्याण करना, जो जिस वक्त हमने चेंज किया हुआ उस वक्त की भावना को याद करो, उस वक्त के वैराग्य की याद करो, आज ऐसा वैराग्य है हमारे पास, जब परिवर्तन किया तो मामूली बात नहीं, अड़ोस पड़ोस सगे संबंधी सब नाराज होते थे, आप क्या हमारे बाप दादा का धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हो, बहुत विरोध होता है, फिर भी हमने विरोध को सहन किया और हमने परिवर्तन किया, तो उस समय का हमारा वैराग्य कैसा होगा, आत्म कल्याण की भावना कैसी होगी, फिर हमारे से क्या गलती हो गई कि वो आत्म कल्याण की भावना रही बाजू में और गुरुदेव को पैर पूजने लग गए, जो गुरुदेव का फोटो लेकर गया था वो हमारे मुंह लेता आसमानी से, ये धंधा हुआ है, नहीं तो हम उनको पूछते कि गुरुदेव ने जो मार्ग बताया आत्मशांति का, बताओ चलो क्या मार्ग बताओ, लेकिन हमने वो नहीं पूछा कभी, सिर्फ सुना और बुद्धि में रखा, लेकिन सामने वाले को चैलेंज नहीं की, जब आप चैलेंज नहीं करोगे तो क्या होता है, नकली मानो माल देने वाले को बोलोगे हम आपका माल लेते हैं, लेकिन याद रखना है डिपॉजिट है आप, हम घर पे जाके इस्तेमाल करेंगे, शांति नहीं मिलेगी तो तुम्हारे को माल वापिस देना पड़ेगा,
पैसा वापिस देना पड़ेगा है तो बोल, तो क्या बोलेगा? अगर झूठा होगा तो क्या बोलेगा? नहीं भैया ये पंचायत बाद में नहीं होना, आपने देख लो क्लियर नहीं बोलेगा। और अगर ऑडिटर होगा तो क्या बोलेगा? भाई बैठा हूँ आप जाओ। लेकिन हमने परीक्षा नहीं, हमने धर्म को सस्ता समझ लिया। और जिधर गुरुदेव का फोटो, जिधर पांडव का फोटो, लगे नमस्कार करने, तो ऐसा कभी अभी नहीं करना है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो पैर करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आए हो तो खाली हाथ मत जाना, ये नक्की करो कि हमको सबसे पहले अपने आत्मा को प्रेम करना है। सदगुरु बाद में ये नहीं तो दूसरे हजार मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रेम करोगे तो मिलेंगे। प्रेम करना अपने आत्मा से माने उपादान जागृत करो, और जिसका उपादान जागृत होता है उसको सदगुरु आकाश से उतर। जिससे सदगुरु भटक जाएंगे नहीं मिलेंगे, तो इस दर से जल्दबाजी करके समर्पण भाव नहीं करना। बहुत सावधान हो जाओ, बहुत जूते खाए हैं, बहुत भटके हैं, अभी हमको भटकना, अभी डबल चौकन्ने हो जाओ। अभी तो हम भी पहले चेक करेंगे, अवलोकन करके, अगर शांति मिलेगी तो अपना ही, नहीं मिलेगी तो भाई हम देवचंद भाई आप होंगे, आप तो मानने वाले होंगे हजार, हमको नहीं मानना है। हमको तो अपने आत्मा से हमको कभी अभी धगना नहीं है, किसी धगे नहीं जाना है। बिल्कुल हमारे आँख कान नाक सब अपन कर, इधर भी मत्था बहुत कीमती है, कहीं भी झुकाना नहीं। वितराग के चरणों में झुकाना है और कहीं झुकाना नहीं, तो पूरा 84 के चक्कर चालू हो जाएंगे वहाँ। इसीलिए बहुत सावधान होकर के, 10 वक्त सोच करके, परीक्षा करके, और शांति मिले तो अपना, नहीं तो नहीं अपना। अपनी खबर हमें।
Oh.